आज पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के 4 विकास कामों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। तकरीबन 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और अहिल्याबाई होलकर मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। नड्डा हरिद्वार में आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार और संगठन के नेताओं से चर्चा करेंगे। नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। इसके अलावा पूर्व सैनिकों से संवाद और संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। आरजेडी में अंदरूनी कलह लगातार बढ़ती जा रही है। छात्र आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव को पद से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेज ने मांग की है कि जब तक जगदानंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक वे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच दीवार की अटकलों के बीच तेज प्रताप ने मीडिया के सामने सफाई दी। तेज प्रताप ने तेजस्वी के साथ किसी भी तरह के अनबन से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने माफियाओं की जो जमीनें जब्त की हैं, वहां गरीबों और दलितों के लिए मकान बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन देने की भी बात कही है। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। इसके साथ ही 3,000 करोड़ के फंड से 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन देने की योजना भी लाई जा रही है। इसके साथ ही 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए युवाओं को भत्ता देने की योजना भी लाई जाएगी। सीएम योगी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का ऐलान भी किया है। यूपी की सियासत में भी तालिबान की एंट्री हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का समर्थन करने वालों पर सवाल खड़े किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने।